उज्जैन नगरी में आधा शरीर मानव का आधा शरीर पशु का बना और उस शरीर का नाम बैताल रखा गया। जोर से बोलो, क्या नाम रखा गया? बैताल। सुना कभी? और उसी उज्जैन नगरी का सबसे पहला राजा जो पैदा हुआ, उस राजा का नाम था विक्रमादित्य, जिनके नाम से पंचांग प्रारंभ होता, सम्मत प्रारंभ, विक्रमी सम्मत कहते हैं। आप कितने भाग्यशाली हैं, उस राज्य के आप भक्त हैं, जिस नगरी का, जिस राज्य का पहला राजा, नौ शक्तियों को बस में करने वाला राजा विक्रमादित्य हुआ है। और विक्रम बैताल की तुमने कई बार कथा सुनी होगी, पर पता नहीं है विक्रम कौन है, बैताल कौन है, अब तो समझ में आ गया। बैताल ने राजा विक्रमादित्य की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। तस्चा भैरवेशो क्षितावतरण मुखे मनुष्य नाम बैताल संगक संकरे छया। पार्वती के श्राप से काशी नगरी का काल भैरव ही बैताल बन के उज्जैन नगरी में आया, राजा की सेवा करी और राजा को रोज प्रश्न करता था। राजा एक दिन प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़ करके बैताल ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं। राजा बोले, मांगो, मैं अपनी शक्ति का तुम्हें वरदान देता हूं। बैताल ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वरदान देना है तो मुझे यही वरदान दे कि मैं अपने पिछले शरीर के रूप में ही इसी नगरी में प्रकट हो जाऊं, मेरा बैताल शरीर से मुक्ति हो जाए। जैसे ही राजा ने क्षिप्रा नदी का जल लेकर बैताल पर जैसे ही छिड़का, बैताल का शरीर समाप्त हो गया और वह काल भैरव का रूप धारण करके प्रकट हो गया। राजा विक्रमादित्य से कहा, प्रभु आपने मेरे शरीर से मुक्ति दी है, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वही कार्य करूंगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हारा परम शक्ति रूप काशी में आज भी विद्यमान है, इसलिए एक नगरी में दो काल भैरव नहीं रहेंगे। अगर तू मेरी शक्ति से प्रसन्न है काल भैरव, तो आज से मेरी उज्जैन नगरी के द्वारपाल बनकर के तू सदा सेवा करती रहेगा। कितने लोग गए उज्जैन नगरी में काल भैरव के दर्शन, और काल भैरव उज्जैन के, काल भैरव की शक्ति को मैंने प्रत्यक्ष में देखा है। तीन बार उज्जैन जाने का मौका मिला तो महाकाल के दर्शन तो मैंने पूजा अभिषेक किए बहुत, मगर काल भैरव को देखा। वहां के पुजारी जी ने कहा, हमारे काल भैरव प्रत्यक्ष हैं। मैंने कहा कि इसकी कथा मैं सुनाता हूं, और ऐसा शिव पुराण में लिखा है कि इसको अभिमान हो गया था, और अभिमान को मद कहते हैं। अभिमान को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। इसीलिए भगवान शिव ने श्राप, पार्वती ने श्राप दिया था कि तुम मदिरा पान करेगा, मद माने अभिमान, रा माने पीने वाला, जिसका नाम मदिरा हो गया। पुजारी से मैंने पूछा, क्या पीते? बोले हां महाराज। उन्होंने बाहर से दुकान से मदिरा मंगवाई, चांदी के पात्र में मदिरा डाली। मैंने देखा वो उज्जैन के काल भैरव थोड़ी देर में सारी मदिरा पान कर गई। इतने प्रत्यक्ष काल भैरव भगवान तुम्हारी राज्य में उज्जैन नगरी में विद्यमान है। बोले काल भैरव भगवान की जय हो।